हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य की ओर में। देखिए, आज फिर हम लोग इसमें 30 प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि यूपी पीसीएस प्री 2018 के लिए और यूपी SSSC से कंडक्ट होने वाला एग्ज़ाम जो है ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और पर्यवेक्षक के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा आज से हम इसमें मतलब कि चौथा सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। 3 सेट सॉल्व हो चुका है, चौथे सेट पे हम 30 प्रश्न ऐसे होंगे। देखिए, ये आप ध्यान रखिएगा कि यूपी पीसीएस के लिए भी वही प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी पीसीएस के लिए अलग प्रश्न होंगे और यूपी SSSC के लिए अलग प्रश्न होंगे, क्योंकि देखिए दोनों जो है उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत दोनों संबंधित आयोग हैं। बस एग्ज़ाम का बोझ ना हो, प्लस एग्ज़ाम समय पे हो सके, इसलिए कुछ वैकेंसीज को इन लोगों ने बांट दिया है कि इतने एग्ज़ाम आप इस ग्रेड से इस ग्रेड तक एग्ज़ाम यूपी SSSC कराएगा और उससे ऊपर के ग्रेड के एग्ज़ाम जो होंगे यूपी BSC कराएगा। ठीक है, लेकिन जो एग्ज़ाम के लिए पेपर सेट करने वाले वो अधिकारी होते हैं, जो भी प्रोफेसर होते हैं, वो लगभग सेम होते हैं। तो वो कभी कभी आप देखेंगे कि प्रश्न लगातार उसमें रिपीट कर दिया जाता है यूपी SSSC के और यूपी PCS के। इसलिए आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि PCS के लिए अलग प्रश्न होंगे और यूपी SSSC के लिए अलग से हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करिए, देखेंगे कि आपको एग्जाम में इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग देर ना करते हुए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता देती हूँ कि एक प्रश्न पर मैं 10 सेकेंड का टाइम दूंगी। अगर आपको 10 सेकेंड तक अपने आंसर चूज कर लीजिएगा, नहीं मैं आपको आंसर बता दूंगी। देखिए, यूपी SSSC और यूपी PSC में यही फ़र्क होगा कि वो स्टूडेंट यूपी SSSC के एग्ज़ाम देने वालों के लिए माइनस मार्किंग नहीं है और यूपी PSC में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें माइनस मार्किंग 1/3 है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने राइट हुए हैं। ठीक है, और अगर PCS का आपको एग्ज़ाम देना है तो आप उतने माइनस मार्किंग प्लस छोड़े हुए प्रश्न को भी उसमें बताइएगा। ठीक है, तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है? रांची, अहमदाबाद, नागपुर और मैसूर में। ठीक है, देख लीजिए आंसर। राइट आंसर होगा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो मुख्यालय अवस्थित है वो है आपका सी, नागपुर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है, सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। काकीनारा, विरुद्ध नगर, चन्नापटना और भदोही में कौन से उद्योग होते हैं? ठीक है, तो देखिए काकीनाड़ा जो है आपका जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, विरुद्ध नगर सूती वस्त्र, चन्नापटना रेशम, भदोही में कालीन उद्योग है। ठीक है, कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। तो काकीनाड़ा जूट मतलब 2, विरुद्ध नगर सूती वस्त्र 3, चन्नापटना रेशम 4 और भदोही कालीन 1। 2, 3, 4, 1, इसका मतलब 2, 3, 4, 1 बी आंसर यहाँ राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं झारखंड, गुजरात या फिर उड़ीसा एवं महाराष्ट्र या उड़ीसा एवं झारखंड। देखिए, भारत के शीर्षस्थ 2 बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए राइट आंसर होगा भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा और महाराष्ट्र, सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है भीमा, डान, तेल या फिर तुंगभद्रा। ठीक है, तो देखिए कृष्णा नदी की इनमें से जो सहायक नदी नहीं है वो है तेल। ठीक है, तेल क्योंकि महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? कोयली, नूनमाटी, हटिया या फिर बरौनी। कोयली, नूनमाटी, बरौनी या फिर हटिया, कहाँ पर तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो देखिए इसमें से जो तेल शोधक कारखाना नहीं है वो होगा आपका राइट आंसर हटिया। ठीक है, हटिया में नहीं है, जबकि कोयली गुजरात में है, नूनमाटी असम, बरौनी बिहार में तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। ठीक है, सी आंसर इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? देखिए ये प्रश्न बहुत ईजी है और लेकिन ये अक्सर UPPCS में पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए जो नए स्टूडेंट पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये सब प्रश्न नए होंगे, जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो ये सब, इसलिए भले ही जो पुराने स्टूडेंट को इजी लग रहा हो लेकिन रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे जो एक दूसरे को काटते हैं वो आपका कहाँ पर है? झांसी में, ठीक है, झांसी में काटते हैं। एक चीज़ जान लीजिएगा, इसको स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहते हैं और इस की कुल लंबाई कितनी है? 7142 है, ठीक है, सी आंसर राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, ये मतलब कि सूची एक ताप परियोजनाएं हैं और संबंधित राज्य हैं, ठीक है, उकाई, पत्रातू, पेंच, डाभोल, ठीक है। तो उकाई जो है परियोजना किस राज्य में है, ताप परियोजना है, वो आपका होगा गुजरात में, ठीक है, पत्रातू झारखंड, पेंच होगा आपका मध्य प्रदेश और डाभोल महाराष्ट्र, ठीक है। उकाई परियोजना कहाँ पे है? गुजरात, पत्रातू झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश और डाभोल महाराष्ट्र। पेंच देख लीजिएगा कि देखिए ये टाइगर रिजर्व के रूप में भी सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ये कभी मतलब कि ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है, तो वैसे ये मध्य प्रदेश में ही माना जाता है, ठीक। तो आपका हो जाएगा 2143, 2143 मतलब बी आंसर इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है कि निम्न में से कहाँ पर, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? अहमदाबाद, कोची, लुधियाना, तेजपुर। अहमदाबाद, कोची, लुधियाना, तेजपुर, कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? देखिए अपने आंसर, देखिए इसमें से जो होगा आर्द्र जलवायु का जहाँ पे अनुभव होगा, राइट आंसर आपका कोची और तेजपुर, ठीक है, कोची और तेजपुर, चूंकि ये पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित हैं और वहाँ पे अक्सर बारिश होती रहती है, बंगाल की खाड़ी से जो इधर से आने वाली हवाएं होती, इसलिए ये आपका कोची और तेजपुर में वो आर्द्र जलवायु का अनुभव होगा, मतलब कि 2-4 राइट है, डी आंसर इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है, अफ्रीका में सर्वाधिक मतलब अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। देखिए अफ्रीका में जो सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है वो राइट इसमें आंसर होगा आपका जाम्बिया, ठीक है, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा होगा? जाम्बिया, ठीक है, बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे नंबर पे अगर आएगा तो आपका कांगो गणराज्य हो जाएगा अफ्रीका में, ठीक है, तांबा उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात कारखाने अवस्थित हैं? चीन, भारत, जापान या फिर यूनाइटेड किंगडम। किस देश में भारत बाजार आधारित लौह एवं इस्पात कारखाने हैं? चीन, भारत, जापान या फिर UK। तो राइट आंसर होगा बाजार आधारित इस्पात कारखाने अवस्थित हैं आपके जापान में, ठीक है, कहाँ पर है? जापान में है। एक चीज़ ये जान लीजिएगा, जापान में क्या है कि लोहे बाजार आधारित लौह इस्पात कारखाने पाए जाते हैं, क्योंकि जो जापान में लोहे और कोयले के भंडार की कमी है, इसलिए जापान जो है देश दुनिया के प्रमुख देशों से जहाँ पे लोहा और कोयला उत्पादन होता है से उच्च कोटि के लोहा खनिज कोयले का आयात करके इसका उपयोग करता है, ठीक है, और इससे जो भी वो बनाता है कारखाने और बंदरगाह नगर में, मतलब कि जो भी उत्पाद होते हैं ये बेचने के लिए ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वान, ठीक है, सुबह 10 बजे हो रही है GMT के अनुसार, ग्रीनविच मीन टाइम के अनुसार शुरू होती है, तो भारत में भारतीय समयानुसार कितने बजे से सुनी जा सकती है? ठीक है, तो मतलब कि यहाँ कहा जा रहा है इंग्लैंड में एक कमेंट्री कितने 10 बजे शुरू होती है, तो भारत में कितने बजे शुरू सुनी जा सकती है, तो हम जानते हैं GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से, भारत की जो 82.5 डिग्री अवस्थित है
82 डिग्री पर अवस्थित है। तो 0 से 82 डिग्री के मध्य में आप देखेंगे तो आपको हम जानते हैं कि 5.5 घंटे का अंतर आता है। ठीक है, 5.5 घंटे का अंतर का मतलब है कि आप 10 में 5.5 जोड़ेंगे तो 10 5 15 और 15.5 हो जाएगा, मतलब कि 3:30 बजे। 15.5 का मतलब आप जानते हैं कि 3:30 को बोलते हैं। ठीक है, 3:30 बजे अपरान मतलब दोपहर में सुना जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है सी आंसर इसमें राइट होगा। समझ गए कि नहीं? देखिए, चूंकि यहाँ पे आपका अगर जिसको भी जो स्टूडेंट आप जानते हैं कि 82 डिग्री पर भारत की अवस्थिति है और डिग्री और ये पूर्वी देशांतर पर स्थित है ये भी जानते हैं। और चूंकि अब जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो 0 पर अवस्थित है, जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ेंगे समय बढ़ता जाता है। ठीक है, आप देखेंगे 1 घंटे में आपका 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। उस प्रकार से 15 82 करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसमें 5.5 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश में किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? किस देश में उसके मतलब कि सारे भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वन आच्छादित है? चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान। तो देखिए, किस देश में इसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? तो राइट आंसर होगा आपका जो कि कुल क्षेत्रफल का प्रतिशतता में सर्वाधिक जो वन आच्छादित वो होगा आपका जापान में। ठीक है, डी आंसर राइट होगा। लगभग इसमें 22.5% इन्होंने पूरे में वन ही है। ठीक है, सॉरी 22.5 नहीं होगा ये, मतलब कि जापान की बात की जा रही है तो ये 51.7% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि अपने 2/3 व्यापार जो कुल निर्यात से धन किससे प्राप्त कर 2/3 लगभग चावल से ही प्राप्त करता है? जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिर म्यांमार। तो देखिए, इसमें राइट आंसर जो होगा कि कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करने वाला देश जो है आपका म्यांमार। ठीक है, डी आंसर राइट है। नेक्स्ट देखिए, एक प्रश्न कभी भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये पुराने प्रश्न हैं, अब नहीं आएंगे। कभी भी आप देखेंगे कि आपके नज़र के सामने आएंगे तब आपको लगेगा कि दोहराना आवश्यक था। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में या फिर दक्षिणी हिंद महासागर में। वैसे जो मैंने ज्योग्राफी का, चूंकि मैं एजुकेटर हूँ एन अकेडमी पे, तो ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि बरमूडा त्रिभुज जो अवस्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, इसका मतलब ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? यूपीपीसीएस 2016 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है लेकिन बहुत इजी है। जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा इनमें से वो होगा आपका राइट आंसर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक है, सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि हाइड्रोजन की खोज जो की थी 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश। कभी कभी पूछ लिया जाता है, 1766 में किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? चूंकि मैंने बताया था कि एयर पॉल्यूटेंट के रूप में कवक शैवाल का मिश्रण भी इसको है। ठीक है, ये क्या है आप देख लीजिए, लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट या फिर अमरवेल। तो देखिए, एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है, राइट आंसर इसमें होगा आपका लाइकेन। ठीक है, लाइकेन जो है वायुमंडल में है, प्रदूषण का एक जैविक सूचक का कार्य करता है, कवक सवाल का मिश्रण से निर्मित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय
विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? ठीक है, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्न में से किसके संबंध में एक क्रांति लाई है? लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों के जुड़ाव के संबंध में, लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में। ठीक है, तो देखिए मोबाइल और ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से भारतीयों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामाजिक जीवन में क्रांति लाई है वो आपका राइट, ग्रामीण की बात किया जा रहा है तो राइट आंसर होगा लोगों के आवागमन के संबंध में और लोगों के जुड़ाव के संबंध में। एक दो सही है लेकिन तीन इसमें सही नहीं होगा। ठीक है, तो ए आंसर इसमें राइट होगा। ठीक है, एक दो राइट है, लोगों के आवागमन के संबंध में और जुड़ाव के संबंध में, ए आंसर राइट है। नेक्स्ट देखिए, मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? मत विलास प्रहसन के लेखक गौतमी पुत्र सातकर्णी है या फिर महाछत्रप रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन या फिर पुलकेशन द्वितीय? मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो देखिए राइट आंसर होगा मत विलास प्रहसन के लेखक जो है आपके महेंद्र वर्मन है। ठीक है, महेंद्र वर्मन है, ये एक संस्कृत का नाटक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक संस्कृत का नाटक है महेंद्र वर्मन, ये पल्लव वंश से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा कि ये पल्लव वंश से संबंधित, मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन है, ये पल्लव वंश से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ था बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, फिर घोड़े के लिए? तो बहुत आसान सा प्रश्न है कि ऋग्वेद में जो अघन्या का प्रयोग किया गया था वो था गाय के लिए। ठीक है, ऋग्वेद में गायों के लिए किसका प्रयोग किया गया था? अघन्या शब्द का। ठीक है, एक चीज जान लीजिए, कई चीजें बताया गया है कि इसमें गायों के स्वामी को गोपति कहते थे, मतलब गोपति, गाय रूपी धन को गोधन कहा जाता था, गायों के लौटने की जो बेला थी उसको गोधुली बेला कहते थे, गाय दुहने वाली पुत्री को दुहिता कहते थे, और गायों के लिए किए जाने वाला युद्ध था गवेषणा। मतलब गाय के लिए कितना महत्व था ऋग्वेदिक काल में, इन शब्दावलियों से ही आप जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? मगध का कौन सा सम्राट था जो कि अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कलाशोक या फिर महापद्म नंद? तो देखिए मगध का जो सम्राट था जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था, राइट आंसर होगा आपका महापद्म नंद। ठीक है, नंदवंश से संबंधित था महापद्म नंद, डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? कच्छप, मत्स्य, वराह या फिर नृसिंह? विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? कच्छप, मत्स्य, वराह या फिर नृसिंह? देखिए पहले हम लोग इजी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा टफ आएगा, क्योंकि पीसीएस में ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं तो एकदम से वो लगता है कि पेपर टफ हो गया है, लेकिन कुछ बड़े स्टेटमेंट के साथ भी आते हैं तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले छोटे वाले प्रश्न जिसमें गलतियाँ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी तक का उद्धार करते हुए पाया गया है, तो आपका अंकित किया गया है, राइट आंसर होगा सी, वराह। ठीक है, वराह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राजकूतों ने, वातापी के चालुक्यों ने, गंग शासकों ने या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, देख लीजिए अपने आंसर। तो देखिए एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था वो था, राइट आंसर आपका होगा राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या फिर राजपूत काल से? भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या फिर राजपूत काल से?
तो देखिए राइट इसमें होगा भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा जो संबंधित है वो होगी गुप्त काल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, किसने किस चीज का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो बाबर ने जामी मस्जिद संभल, हुमायूं दीनपना, अकबर जहांगीरी महल और दिया है जहांगीर इत्माउद्दौला का मकबरा। देखिए इसमें एक दो तीन चार सही, तीन जो चारों हैं चारों सही सुमेलित हैं। बाबर ने जामी मस्जिद का निर्माण कराया था जो कि संभल में अवस्थित है, हुमायूं ने दीनपनाह का कराया था, ठीक है, अकबर ने जहांगीरी महल और जहांगीर ने इत्माउद्दौला का मकबरा। ठीक है, इसका मतलब एक दो तीन चार ए आंसर राइट है। नेक्स्ट देखिए, अलबरूनी भारत में आया था 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं या फिर 12वीं में। ठीक है, देखिए तो अलबरूनी जब भारत आया था आपका राइट आंसर होगा 11वीं शताब्दी में। ठीक है, अलबरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी, सी आंसर राइट है। ठीक है, इसने किताबुल हिंद नामक तहकीके हिंद भी कहा जाता है पुस्तक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राणा सांगा ने निम्नलिखित में से युद्धों में किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे उससे जुड़े हुए हैं अनएकेडमी से, उनको पता है कि राणा सांगा का युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य में, राणा सांगा ने किसके बाबर से जो युद्ध हुआ था कौन सा युद्ध था। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका, राणा सांगा ने जो युद्ध बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी वो था आपका खानवा का युद्ध था, 16 मार्च 1527 को। ठीक है, बी आंसर आपका राइट होगा, इसमें बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अन्न के ऊपर कर को समाप्त करने के लिए जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी, ग्यासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर देखिए इसमें होगा, जो सुल्तान था जो कि अन्न से, सिकंदर लोदी। ठीक है, इसमें सिकंदर लोदी राइट है, इसने अन्न से कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी ने पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक के साथ की थी? किस पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किसके साथ की थी, मुगल के सेना नायक था उसके साथ की थी, वह कौन था? ठीक है, तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा, शिवाजी ने जो पुरंदर की संधि की थी वो आपका मुगलों की तरफ से था, जय सिंह। ठीक है, बी आंसर राइट है, मुगलों की तरफ किसके साथ किया था, जय सिंह के साथ किया था। ठीक है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव या फिर वल्लभाचार्य। ठीक है, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था, देख लीजिए अपने आंसर। तो राइट आंसर होगा, भक्ति आंदोलन के इन नायकों में से जो इस्लाम धर्म से प्रभावित थे वो थे नामदेव। ठीक है, नामदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? इसमें से आपको बताना है, बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का क्या नाम था? युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर अभिनव भारत। तो देखिए इसमें राइट होगा, बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम था अभिनव भारत। ठीक है, 1904 में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, 1904 में स्थापना इन्होंने नासिक महाराष्ट्र में की थी। ठीक है दोस्तों, हम लोगों का ये हो गया आपका 30 प्रश्न, कल फिर हम आपको 30 क्वेश्चन अपलोड करते हैं। देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में जब बैठेंगे, जब ये रिपीट क्वेश्चन होंगे तब आपको लगेगा
कि हमारे लिए कितने यूज़फुल थे। ठीक है, आप देखिए आपको सिर्फ एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि जो वीडियोस अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। कल से मैं 10-10 प्रश्न हिंदी के भी अपलोड करना शुरू करती हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को पहले क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना है ठीक है, नहीं तो आपको हिंदी में आपको रस अलंकार वगैरह पढ़ना है तब भी बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं उसी के अकॉर्डिंग करूँगी, एक बार आपको थ्योरी बताने के बाद करूँगी। ठीक है, जैसा भी होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एससी का जल्दी ही एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। धन्यवाद।